ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को ये जो डोजी साउंड के स्क्रू है इनको थोड़ा सा क्लोज लुक में दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं अपना स्पीकर बॉक्स बनाता हूँ तो कौन से स्क्रू यूज़ करता हूँ, अपने वूफर, ट्विटर, मिड रेंज वगैरह को टाइट करने के लिए कौन से स्क्रू यूज़ करता हूँ। तो उसी क्वेश्चन के आंसर में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों को। इस वीडियो में डोजी साउंड जो हम लोगों को स्क्रू प्रोवाइड कराता है वो भी दिखाने वाला हूँ। उनकी वेबसाइट पे ये स्क्रू मिल जाएंगे आप लोगों को, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इनका भी रिव्यू मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में करके दिखाऊंगा, और साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कम प्राइस में हम लोकल स्क्रू जो हमें मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्या फ़ायदा है हम लोगों को लोकल स्क्रू का, या डोजी साउंड हमें जो स्क्रू प्रोवाइड करा रहा है अपनी वेबसाइट पे उनका क्या बेनिफिट है, ये आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरिजन देखने को मिलेगा। वैसे हम लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख पाएँ, एक कंपेरिजन कर पाएँ अच्छे से। दोस्तों, मैं जो स्क्रू यूज़ करता हूँ अपने स्पीकर बॉक्स को बनाने के लिए वो कुछ फर्नीचर वाले स्क्रू यूज़ करता हूँ, जो हम लोगों को फर्नीचर के काम में लगाने के लिए स्क्रू मिलते हैं वही यूज़ करता हूँ। अलग अलग डिफरेंट साइज़ के मैंने काफ़ी स्क्रू ला के ये रखे हुए हैं अपने पास। आप लोगों को जो ये जिप्सम वाले स्क्रू मिलेंगे फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर के होते हैं और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर इसमें यूज होते हैं, यानी कि प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर इनमें लग जाता है, इसलिए ये टाइट करने में काफ़ी आसान रहते हैं। क्योंकि मैं जब इनको टाइट करता हूँ तो अपना ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता हूँ अपने स्पीकर बॉक्स में सभी स्क्रू को टाइट करने के लिए। एक स्पीकर बॉक्स में जो स्क्रू लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, उनको यदि हम मैनुअल स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, हम लोगों के स्क्रू ड्राइवर भी ख़राब हो जाते हैं और साथ ही हाथों में भी छाले पड़ जाते हैं दोस्तों जी। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बहुत ही मुश्किल काम होता है पूरे स्पीकर बॉक्स में ये स्क्रू टाइट करना। नेल्स लगाना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन मेरे पास जितने भी स्पीकर बॉक्स मैंने बनाए हैं उन सब में मैंने फेविकोल लगा के ये सब स्क्रू ड्राइवर से टाइट किए हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही जिप्सम वाले स्क्रू मैंने टाइट किए हैं क्योंकि मुझे इनकी मजबूती का पता है कि इनको लगाने से कितना ज़्यादा मजबूती आ जाते हैं। फेविकोल लगाने के बाद यदि आप नेल्स यूज़ कर रहे हैं, कील यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होने वाले हैं फ्रेंड्स। यदि आपने अपने स्पीकर बॉक्स बनाते हुए फेविकोल लगाने के साथ यदि ये जिप्सम के स्क्रू यूज़ कर लिए टाइट करने के लिए, तो वो कभी भी लूज़ नहीं होने वाले हैं। और साथ ही जब हम अपने वूफर को टाइट करते हैं या ट्विटर को टाइट करते हैं तो उसमें भी आप ये स्क्रू यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्क्रू हैं ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, ये आपको हाफ इंच भी मिल जाएंगे, पौना इंच भी मिलेगा, एक इंच में भी मिल सकता है, सवा इंच में भी मिल सकता है, और डेढ़ इंच में भी, सवा दो और ढाई इंच में भी मिल सकते हैं। उससे भी ज़्यादा लेंथ के मिलते होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दो इंच तक के मैंने यूज़ करके देखे हैं फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो डोजी साउंड हम लोगों को स्क्रू देता है वो कैसी क्वालिटी के हैं, ये आप देख पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डोजी साउंड की वेबसाइट पर आप लोगों को ऐसे स्क्रू मिलेंगे। इनका प्राइस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 109 यानी 109 रुपये लिखा हुआ है, जिसमें कि वो हम लोगों को क्वांटिटी प्रोवाइड कराते हैं 40 नंबर। जी हाँ, 40 स्क्रू हम लोगों को वो देते हैं। स्क्रू की क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं आपको क्लोज लुक में भी दिखाऊंगा इनको। पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने इनको यूज़ नहीं किया, वो क्यों यूज़ नहीं किया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए हमें एलन की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, इनका जो हेड है वो एलन की वाला है, और इनको ओपन करना, टाइट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ओवरऑल इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हालाँकि यदि आप हाई एंड के स्पीकर बॉक्स बना रहे हैं जिनमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, अच्छी लुक के साथ आप बना रहे हैं, तो उसमें ये जो स्क्रू हैं बहुत अच्छे लगने वाले हैं दोस्तों, देखने में ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। एक एलन की लेनी पड़ेगी हम लोगों को, उसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, आपको 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ में इजीली मार्केट से
मिल जाएगी। जी हाँ, लोकल हार्डवेयर मार्केट में जाइएगा आप लोगों को इनमें लगने वाली एनिल की भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। जबकि ये जो जिप्सम के स्क्रू मैं यूज करता हूँ, इसमें स्क्रू में आप देखिएगा, स्क्रू का हेड जो है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का है, जिसमें कि हम अपना प्लस वाला पॉइंट वाला स्क्रू लगा सकते हैं और इनको टाइट करना, लूज करना बहुत ही आसान काम है। मैं इनको अपने इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर लेता हूँ, जो कि मेरे को बहुत आराम देते हैं और इजीली हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को ये जो डोजी साउंड के स्क्रू है इनको थोड़ा सा क्लोज लुक में दिखाता हूँ। बिल्ड क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को फ्रेंड्स, और साथ में एक शाइनिंग भी है इन पे, कोटिंग किए हुए हैं ये। मुझे नहीं लगता कि इनमें कभी रस्ट लगने वाली है, मजबूत भी काफ़ी है ये, और साथ ही इनका हेड भी है वो स्लिप नहीं होएगा। ये देखिए इनकी हेड में जो थिकनेस दी हुई है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई चीप क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। यदि आप कोई हाई एंड का स्पीकर बॉक्स बना रहे हैं तो अपने वूफर, मिड रेंज, ट्विटर वगैरह को टाइट करने के लिए आप ये इजीली मंगा सकते हैं। मैं इनको जैसा कि देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, आवश्यकता अनुसार आप इनको मंगवा सकते हैं। साथ ही आप लोकल मार्केट में भी ट्राई कीजिएगा, वहाँ पर भी ये शायद आपको मिल सकते हैं। यदि नहीं मिलते हैं तो डोजी साउंड की वेबसाइट पे तो आपको ये अवेलेबल करा ही रहे हैं। वो 40 पीस दे रहे हैं, जी हाँ 40 नंबर पीस दे रहे हैं वो 109 रुपीज़ में, तो एक तरह से लगभग 2 रुपये से ज़्यादा का एक पीस ये आप लोगों को पड़ने वाला है। डोजी साउंड की वेबसाइट पे मिलने वाले स्क्रू भी देखने को मिले होंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट रहा है। और साथ ही लोकल मार्केट में जो स्क्रू मिलते हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए। मैं तो इन्हीं को यूज़ करता हूँ क्योंकि इनको टाइट करना, लूज़ करना काफ़ी आसान है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इनको टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, और इनको टाइट करने के लिए, लूज़ करने के लिए हमें एलन की लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों के लिए कोई परेशानी वाला काम नहीं है। यदि आप एक ही स्पीकर बॉक्स बनाना है बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो सिर्फ एक ही बार आपको ये टाइट करने पड़ेंगे और लूज़ करने पड़ेंगे। मेरा काम तो कुछ अलग ही है, मैं तो आप लोगों को दिन प्रतिदिन आए दिन कभी कुछ खोल के दिखाता हूँ, कभी कुछ ओपन करके दिखाता हूँ, तो मेरा जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी वजह से मैं ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर भी लेके आ गया, जिसकी मदद से मैं अपने स्क्रू को ओपन या क्लोज करता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, जुड़े रहिए मेरे से, मैं आप लोगों को ऐसी ही प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज देता रहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ ऐसी ही प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप लोगों के डे टू डे लाइफ में काम आती रहती हैं। आप लोग भी अपने कमेंट के जरिए मेरे को हेल्प करते रहिए, कुछ ना कुछ इनपुट देते रहिए, बातें करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।